कटनी जिले में वोट के लिए यहाँ पर रन फॉर कटनी रन फॉर वोट के लिए यहाँ पर स्कूली बच्चे के साथ साथ यहाँ के अधिकारियों ने भी दौड़ लगाई है। आइए, हमारे साथ कलेक्टर भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो लगातार वोट के लिए यहाँ पर संकल्प दिलवाते हैं और यहाँ पर लगातार जो बच्चे इकट्ठा हुए हैं उन्होंने भी यहाँ पर दौड़ लगाई है सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। हमारे साथ कलेक्टर साहब मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कलेक्टर साहब, जिस तरीके से यहाँ पर रन फॉर कटनी एक आयोजन किया गया, इसके अलावा और ऐसे कितने कार्यक्रम किए गए? देखिए, लगातार ये कार्यक्रम पिछले 1.5 माह से किए जा रहे हैं और अभी निरंतर रहेंगे ये मतदान दिवस तक। और इसका प्रयास सिर्फ एक ही है, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वो ये है कि बड़ी संख्या में लोग 17 नवंबर 2023 को अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें और जो हमारा लोकतंत्र का उत्सव है उसमें वो शरीक हों। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, उन्होंने भी जो कि 18 प्लस नहीं है उसके बाद भी वोट के लिए वो जागरूक करते हुए दिखाई दिए। देखिए, बच्चे जो हैं वो अपने अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया हैं और इसीलिए हम बच्चों को भी शामिल करते हैं। हमने जो है बच्चों में से एम्बेसडर्स भी बनाए हैं जो जाके जो अपील जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार, और वो अपने अभिभावकों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, उनके परिवारों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी मतदान करें। हमारे साथ बच्चे भी हैं जो कि रन फॉर कटनी में यहाँ पर शामिल हुए थे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? खुशबू चौधरी। आपने क्या संदेश दिया आज रन फॉर कटनी में? संदेश दौड़ने का, मतदान करने का। 17 नवंबर को जो मतदान होगा तो उसमें साथ देंगे। अच्छा, इस मुहिम में आप लगातार क्या जुड़े हुए हैं जिला प्रशासन के साथ? यस। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए आपके जो मित्र हैं, सहयोगी हैं और कोई जो अपनी लोग हैं यहाँ पर, लगातार आप यहाँ पे आ रही हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ सीओ साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार सीओ साहब भी लगातार यहाँ पे मॉलों में साउंड के जरिए, एमपी जो देखा जाए यहाँ पे एफएम के जरिए, यहाँ पे लगातार वोट करने की अपील कराते आ रहे हैं। साहब, जिस तरीके से देखा जाए और कितने कार्यक्रम होने हैं अभी बाकी हैं? डेली की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हैं और हर प्रकार की गतिविधियाँ हैं, डाइवर्स है, चाहे वो खेलकूद की गतिविधि हो, कल्चरल गतिविधि हो, वाद विवाद हो। और हमारी कोशिश ये रहती है कि समाज के सभी वल्नरेबल सेक्टर्स हो गए, ओल्ड पीपल हो गए, हर प्रकार के यंग ओल्ड वोटर्स, सबको हम अपनी गतिविधियों में शामिल करें, उनके माध्यम से जागरूकता का संदेश दें कि निर्भीक होकर के लोग बाग 17 नवंबर को आगे बढ़ करके अपना मतदान करें और वोटर टर्नआउट बढ़ाएं कटनी का। हमारे साथ सीओ साहब थे जो लगातार बोल रहे हैं कि जो कि वोट परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए लगातार मुहिम जारी है। कटनी जिले में वोट के लिए जो रन फॉर कटनी यहां पर आयोजन किया गया था, यहां पर बढ़ चढ़ कर अधिकारियों के साथ बच्चों ने भी हिस्सा लिया। आप देख रहे थे IBC 24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइव, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।